हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक प्रोजेक्ट इंडिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुराने डीवीडी प्लेयर से एक एम्पलीफायर। हमारे घर में पुराने डीवीडी प्लेयर ज्यादातर सभी के घर में हैं, तो मैं आज बताऊंगा कि कैसे हमें डीवीडी प्लेयर के अंदर से एक सर्किट निकालना होता है जो कि हमारा एम्पलीफायर का काम करता है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारा एम्पलीफायर वर्क करेगा और कैसे हमें उसको बनाना है। हमने अपना डीवीडी प्लेयर खोला है, तो इसमें देखते हैं कौन सी हमारी एम्पलीफायर की प्लेट है। ये जो लगी हुई है ये एम्पलीफायर की प्लेट है। ये इसमें आईसी लगी हुई है और ये हीट सिंक लगी हुई है। तो हीट सिंक सबसे सही पहचान है, हीट सिंक लगी होगी आईसी के ऊपर, वो अपनी वो होगी एम्पटी प्लेट होगी। तो इसकी वायरिंग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर जा रही है। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। पूरा सर्किट, ये तो हमारी हो गई सप्लाई, ये वाली जो हमारे ट्रांसफार्मर से आ रही है सीधी, और ये वाली जो वायरिंग जा रही है ये हमारी जा रही है बेस और ट्रबल पे, और फिर जो इसमें से वायरिंग आ रही है ये हमारी है दोनों चैनल की, चैनल वन चैनल टू, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे है। ये तो आप पूरा का पूरा यहाँ से खोल के ये वाला पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमें देखना है यहाँ पे ऑडियो, ऑडियो कहाँ से दी जाएगी, ऑडियो और स्पीकर्स का कनेक्शन। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वाली जो हमारी वायर्स है इनको लेके चलना है, देखते हैं कहाँ पे। तो ये वाली जो हमारी वायर्स हैं 1 2 3 4 ये हमारी जा रही हैं स्पीकर्स में, यहाँ पे स्पीकर वन स्पीकर टू। तो ये हमें यहाँ से खोल लेना है और फिर देखना है हमें ऑडियो। तो इसी केबल से जो हमारे एम्प से निकली हुई है वायर, इसे देखते हैं, ये जा रही है इसमें से, ये जा रही है इस तक। तो ये हमारा जो हमारा ऑडियो वीडियो हुआ करता था ये वो वाला ऑप्शन है, इसको खोल लेते हैं। ये जा रहा है हमारा, इसमें तीन वायर लगे हुए हैं हमारे, ग्रीन वाइट ब्लू, ये तीनों वाली होंगे ऑडियो केबल्स। तो हमें इसको ओपन कर लेना है। तो शोल्डर के थ्रू आप इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे हमारी लगेगी ऑक्स केबल, इसके पास इस पर ऑक्स केबल शोल्डर करके, और फिर इस पूरे सर्किट को हम एक बार चला के देखेंगे। तो एक बार इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डीवीडी प्लेयर के अंदर से अपना सर्किट कैसे निकालना है, तो मैंने अपना सर्किट निकाल लिया है। ये रहा मेरा सर्किट। तो मैंने इसमें दिया है एक ट्रांसफार्मर से, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इससे सप्लाई दी है मैंने इसमें। ये गई हमारे सर्किट के अंदर सप्लाई। ये जो हमारा पार्ट था इसमें लगना था हमारा स्पीकर, इसमें हमने इस स्पीकर के कनेक्शन कर दिए हैं। आपके पास अगर कोई और स्पीकर हो तो आप उसके अपना कनेक्शन कर सकते हैं। मेरे पास तो अभी यही स्पीकर पड़ा हुआ था तो मैंने इसका कनेक्शन किया है। ये हमारा वॉल्यूम, ये हमारा ट्रबल, ये तो इसी के सर्किट के साथ हमारे निकले थे।
और ये था हमारा ऑक्स वाला वायर, तो मैंने इसमें एक ऑक्स लगा दिया और इस ऑक्स को कर दिया मैंने इस अपने मोबाइल के अंदर। तो अब देखते हैं ये कैसा प्ले हो रहा है और कैसी इसकी साउंड आ रही है। तो आपको एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ इसमें म्यूजिक। ये हमारा वो सर्किट अच्छा काम कर रहा है। और तो आप इस तरीके से अपना भी अपने घर में पुराने पड़े डीवीडी प्लेयर से अपना एक एम्पलीफायर तैयार कर सकते हैं और अपना यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।